पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने सीआईए 2 के तत्कालीन प्रभारी सौरभ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इन्होंने 22 लाख रुपए लेकर एक नशा तस्कर को छोड़ दिया था। 8 लाख और फिर लिए जाने की बात सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि इस बारे में शिकायत आने पर उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच करवाई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। सीआईए 2 प्रभारी पहले भी एक दूसरे मामले में चार्जशीट किए गए थे। भारत सरकार द्वारा 1985 में एक अधिनियम पास किया था, उसका नाम है नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट। पूरा फुल फॉर्म बनती है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो ड्रग्स हैं, अफीम, चरस, हेरोइन, चिट्टा, स्मैक, गांजा, चूरापोस को अपना ये पुल्ली पातना, इसके साथ नशे की गोलियाँ हैं, नशे के टिक्के, इनको ना तो कोई उत्पादन करेगा, ना इनका कोई निर्माण करेगा, ना इनका उपभोग करेगा, ना खरीदेगा, ना बेचेगा, ना तस्करी करेगा। यदि करता है तो भारत सरकार द्वारा सरकारी जो भी पुलिस विभाग है उनको, राज्यों की पुलिस को, भारत की एनसीबी को, अर्धसैनिक बलों को और सेनाओं को पशक्तियाँ प्रदान कर दी कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध हम पकड़ के उन सलाखों के पीछे डाल दें।